नमस्कार दोस्तों, मैं पवन आपका मेरे चैनल टेकी पवन में स्वागत करता हूँ। कृपया टेकी पवन चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें। आइए आज के टॉपिक पर चलते हैं। आज का टॉपिक है इक्विलिब्रियम मेथड, TRTC विधि, संतुलन विधि। चित्र में आप देख सकते हैं, ये पूर्ण प्रतियोगिता का केस है जहाँ TR वक्र मूल बिंदु से गुजरने वाली एक सरल रेखा है, क्योंकि AR और MR पूर्ण प्रतियोगिता में स्थिर रहते हैं। TC वक्र कुल लागत वक्र है जो कि MC के U आकार के कारण ऐसा है। अब आप देख सकते हैं GG, ये GG एक स्पर्श रेखा है जो K बिंदु पर TC वक्र को स्पर्श करती है। संतुलन की पहली विधि ने क्या कहा था, जहां MR बराबर MC हो वहीं संतुलन होता है। तो TR वक्र का H बिंदु पर जो ढाल है उसके लिए हमने स्पर्श रेखा खींची तो वो TR की तरह ही बन गई। तो H बिंदु पर जो TR का ढाल है वो तो क्या हो गया, MR। और K बिंदु पर जो ढाल ज्ञात करने के लिए हमने GG रेखा खींची है तो वो क्या हो गई, MC वक्र। क्यों, क्योंकि TC का ढाल क्या होता है, MC। तो इसलिए K बिंदु तो बता रहा है MC को और H बिंदु बता रहा है MR को, और दोनों चूंकि पैरेलल हैं इसलिए यहाँ पे क्या हो गया है, MR बराबर MC। तो उत्पादक को सबसे ज्यादा लाभ कहाँ होगा, OQ उत्पादन पर, जहाँ उसे कितना लाभ हो रहा है, एच के एरिया के बराबर, क्योंकि TR तो है एच क्यू और TC है के क्यू, तो एच क्यू में से के क्यू गया तो उसका लाभ कितना हुआ, एच के क्षेत्र। ई बिंदु से पहले उसको नुकसान हो रहा है क्योंकि TC ग्रेटर देन TR है। ई बिंदु के बाद भी उसको नुकसान हो रहा है क्योंकि वहां पे भी TSC ग्रेटर देन TR है। तो केवल ई से ई के एरिया के बीच में ही उसे लाभ हो रहा है, और सबसे ज्यादा लाभ उसे कहाँ हो रहा है, OQ उत्पादन स्तर पर। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, जहाँ TC बराबर TR हो उस नॉर्मल प्रॉफिट को ही हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। जहाँ सामान्य लाभ होता है उत्पादक को उस स्थिति को ही ब्रेक इवन पॉइंट समस्थैतिक बिंदु कहते हैं।